अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं चैनल बाइक अल्टर यामा। मैं हूं आपका दोस्त अमार। आज हम आपको बताएंगे आप बाइक का क्लच कैसे नरम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा दोस्तों के कमेंट आ रहे थे, यार हमारी ना क्लच बहुत ज़्यादा टाइट है, साफ सुथरा है और ना गियर में बाइक चलता है, गियर लगाओ क्लच पकड़ो तो छोड़ो नहीं तो पहले चलने लग जाते। उसका हल हमको बताएंगे कि इसका सिंपल सा हल क्या है उसकी उसको उसके लिए। तो आपने ये टिक्की खोल लेनी है बाइक की साइड, क्लच वरम वाली टिक्की इसको बोलते हैं। इसको अपने चौरस पिचकास नट से इसको आपने ओपन करना है। हमारे पास 22 मॉडल 70 के चौरस पिचकास नट आते हैं, जो पुराने मॉडल उनका आता है एल की वाला। ये देख सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं, ये जंग लगा हुआ है इसको बिल्कुल ज़्यादा, तो इसकी वजह से हमारा बाइक का क्लच इशू होता है। तो हम आपको दिखाते हैं इसका क्या हल करना है। आपने इसकी अपने तार पहले क्लच वाली बाहर निकाल लेनी है, मैं इसकी केबल नीचे उतार लेनी है। तो ये इसका होता है क्लच वरम, इसके अंदर लाख लगा होता है। आपने इसको प्लास की मदद से किसी चीज़ की मदद से आपने इसको बाहर निकाल लेना है। ये देख सकते हैं ये इसका ये लाख बाहर आ गया। तो इस वरम को अपने थोड़ा सा यहाँ से चोट लगानी है बाहर आ गया। ये देखें, ये सिंपल सा तरीका है, इसको आपने बाहर निकाल लेना है। तो इसके ऊपर स्प्रिंग होता है, आपने इसको उतार नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल मोबलाइल मिट्टी और सबसे ही भरा हुआ है। इसको आपने पहले टाकी मार लेनी चाहिए, टाकी मार के अब आपको ग्रीस ज़रूरत पड़ेगी, ग्रीस लगा लेनी है आपने इसको सही अच्छे से। ये देख सकते हैं ये आलू वाली ग्रीस है। ये अच्छी तरह इसको अपने ग्रीस लगा लेनी है। ये सुराख होता है इसका, इसके अंदर भी अपने ग्रीस लगा लेनी है। इसके ऊपर आपने ऑयल लगा लेना थोड़ा सा। इसका आपने अब स्प्रिंग लगा लेना है। ये इसका स्प्रिंग है, इसको अपने ऐसे इस तरह लगा लेना, इसको अपने अंदर डालना है, ऊपर थोड़ा ऑयल लगाना है। तो इसका कट होता है पीछे स्प्रिंग का, इसको ऐसे अपने फंसा लेना है इसके अंदर, इसको ऐसे करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा, टाइट कर लेना इसको। तो पेज ढीले करके इसको चढ़ा देना ऊपर। तो इसका स्प्रिंग चढ़ाने का सिंपल तरीका ये है, पिचकास लेके अपने मिक्सर वाला इसका जोर लगाना, इसका चढ़ गया। ये देख सकते हैं हमारी बाइक में कितना ज़्यादा फर्क आया, देख सकते हैं। तो इसको टाइट के ढीला करने के लिए आपको ये नट ओपन कर लेना है इसका 10 मिली गोटी से, और पिचकास से आपने इसको फुल टाइट या ढीला कर लेना। तो आपको जैसे क्लच यहाँ आपका एडजस्ट हो तो उधर आपने कर लेना है। ये वीडियो हमारी ये क्लच के बारे में थी, इसको अच्छी लगी प्लीज़ थैंक यू फॉर वाचिंग माय सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह।